व्यापारी की बीती रात हत्या कर शव को फेंका। सरीला हमीरपुर में थाना जरिया के पवई गांव के किराना व्यापारी की बीती रात हत्या कर शव को गांव से कुछ दूर एक नलकूप के चिरही में फेंक दिया गया। ऊपर से लकड़ी डाल दी गई। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने प्रदीप की मोटरसाइकिल देवी दीन राजपूत के खेत में पड़ी देखी, जिसकी सूचना प्रदीप के परिजनों को दी। जब इसकी खोजबीन की गई तो वहीं पास में भूप सिंह की खेत में नलकूप की चिरही में प्रदीप का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पवई गांव निवासी 42 वर्षीय प्रदीप कुमार गुप्ता के थाना जरिया के ठीक सामने किराना की दुकान है। सोमवार की शाम प्रदीप दुकान बंद करके घर पहुंचा और खाना खाकर बाइक से निकल गया। रात भर प्रदीप के घर ना लौटने से परिजन भी परेशान रहे। उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बताता रहा। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने प्रदीप की बाइक गाँव के बाहर खेत में पड़ी देखी, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी। इसके बाद लोगों ने आसपास उसकी खोजबीन की तो एक भूप सिंह राजपूत के खेत में लगे नलकूप के टैंक के अंदर प्रदीप का शव पड़ा था। उसके ऊपर लकड़ियां डाली गई थीं ताकि किसी को जल्द शव का पता ना चल सके। प्रदीप का शव मिलने से परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर लाठी डंडे और खून के निशान मिले हैं। घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर लाठी डंडे और खून के निशान मिले हैं। धारदार हथियारों के भी निशान मिले हैं। मृतक के पिता ध्रुवराम ने बताया कि प्रदीप शराब का आदी था। उस रात भी वह शराब पीकर घर आया था। शराब के नशे में होने के कारण मारपीट के भय से दरवाजा नहीं खोला, जिससे वह वापस चला गया। मृतक अपने पीछे दो पुत्रियां वैष्णवी 12 वर्षीय, काव्या 10 वर्षीय व पत्नी साधना को छोड़ गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घर से कितने बजे करीब निकले थे, क्या काम करते थे? किराना की दुकान है, मैं जरिया में थाने के सामने। और सुबह गए गेरे अच्छे वाले आते, पापा से कह रहे थे गेट टूट गए। पापा हम गेट पके मैंने ओके लगा ले, हम कारीगर के गेट से दरवाजे ओके पास से नहीं आ पाता। के आपको कब जानकारी हुई? रात में जब पापा को खाना देखी, उसके बाद से हमें पापा के आम लेते थे, हमें परेशान कर रहे थे, तो हम पापा के यहाँ आ गए और वही लेट गए। हम परेशान, पापा कह रहे जा रहे कहा है, गतारू लगू घर को बेटा। कुमार गुप्ता बड़े भाई थे हमारे, और ये शाम को करीब 8 बजे लगभग कुहांडे से खाना खा के आए होटल से। इसके बाद पापा को खाना दिए, इसके बाद घर से निकल गए, तो इनका पता नहीं चला। सुबह पता किया तो मोटरसाइकिल ठेका के बगल में हार बदली हुई थी, और पापा आए तो मोटरसाइकिल लेगी, चार लोगों को बुलाया फिर घर चले गए। इसके बाद फिर पता चला कि वहाँ टेबल पर लाट डली उनकी, वो खून छपा हुआ है। आयुष पापा ने देखा तो टेबल पर लाट डली, वो डंडों से मारा उन्होंने, घसीट के पूरी रास्ता बनी हुई है, चप्पलें बनी हुई, 3-4 लोग थे, और टेबल में खून भी छपा हुआ है, और थुमियाँ गाड़ के पानी में फेंक गई। क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी क्या आपकी भाई? नहीं, पुरानी किराने की दुकान थी, डालते थे लोग साथ में रहती थी परमानेंट दारू के साथ, वही कोई होगा और पागी।